किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की कड़ी में आज अजमेर कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्टर ने किसानों की बस को हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम बढ़े और उसको लिए किसानों को नई तकनीक को सीखने की ज़रूरत है। अजमेर के हर ब्लॉक से करीब 50 किसानों को गुजरात रवाना किया है, जहां ये किसान एक्सपर्ट्स के साथ रहकर कुछ बेहतर तकनीक सीख पाएंगे और उसी तकनीक से फसल बोकर ज्यादा से ज्यादा इनकम पा सकेंगे। गुजरात यात्रा के दौरान यह किसान विभिन्न केंद्रों के जाकर दुग्ध उत्पादन से लेकर बेहतरी फसली के बारे में जानकारियां जुटाएंगे और वापस लौटकर अपने ब्लॉक के अन्य किसानों के साथ उसे साझा कर आय को बढ़ाने का काम करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मूल उद्देश्य है कि हमारे जो किसान हैं उसकी आय में वृद्धि हो। आय में वृद्धि कराने के लिए तकनीक का जो बेटरमेंट है वो करवाया जाना अति आवश्यक है। उसी क्रम के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, हमारे यहाँ के 50 किसानों को जो कि हर एक ब्लॉक से लिए गए हैं, उनको गुजरात के टूर पर लेके जा रहे हैं। ये वहाँ पर समस्त एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ में रहेंगे, चाहे वो खाद बीज के संबंध में हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के संबंध में हो, चाहे दूध के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में हो, उन सब की ट्रेनिंग करवा के और मार्केटिंग किस हिसाब से बेटर करवा सकते हैं। मूल उद्देश्य यही है कि इस एक्सपोजर से हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो एक ऐसे मॉडल किसान बन के आएंगे जिसको देख के आसपास के अंदर भी लोगों की जो आय के अंदर है वो वृद्धि करवाए जाने का हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ सकेगी। हर ब्लॉक कितने किसान हो? टोटल 50 हैं हमारे यहाँ पे और सभी ब्लॉक से इक्वली लिए गए हैं।